ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2023 और आज से क्रिसमस का बहुत सुंदर त्योहार आरंभ हो रहा है। सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारक हो, बधाइयां हो, अभिनंदन हो। क्रिसमस हमें बहुत सी बातों का संकेत भी देता है, प्रेरणा भी देती है। आज अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 3 अप्रैल 1997 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा को बच्चों के भाग्य को देखकर नाज भी होता है, लेकिन साथ साथ बच्चों के कई संस्कार जो पाठ बजाते हैं उसको देखकर रहम भी आता है। बाबा कहे, द्वापर के संस्कारों को तो इमर्ज कर दिया और जो अनादि संस्कार है उसे मर्ज कर दिया। तो द्वापर के संस्कार को मर्ज करो और अनादि संस्कार को इमर्ज करो। विशेष बाबा ने आज बच्चों को ध्यान खिंचवाया है, अंडरलाइन कराया है कि बच्चे पवित्रता की धारणा में तो बहुत अच्छे चलते हैं, परंतु दूसरा विकार जो है वह है क्रोध। और क्रोध के भी भिन्न भिन्न प्रकार है, भिन्न भिन्न रूप है। एक होता है बाहर से जोर से बोल देना, क्रोध कर देना, लाल पीला हो जाना। बाबा कहे ये सबको दिखाई देता है और बाप का नाम भी बदनाम करते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार का क्रोध है वो सूक्ष्म है, विशेषकर जब अंदर से ईर्ष्या का रूप लेता है, द्वेष का रूप लेता है, तो बाहर से वो क्रोध नहीं करता, लेकिन ईर्ष्या के कारण एक क्रोध की अग्नि में जलता है, दूसरों को भी जलाता है। वो भले लाल पीला नहीं होता है, लेकिन बाबा कहे वो और भी खतरनाक है, जो अंदर से काला हो जाता है। और तीसरा स्वरूप क्रोध का जो बाबा ने बताया कि लौ अपने हाथ में उठा लेना और उस लौ को हाथ में उठाते हुए दूसरों पर उस लौ का प्रयोग करना। बाबा कहे ये भी नुकसान करता है। तो ये तीन स्वरूप बाबा ने आज बताए क्रोध के। तो बाबा कहे अब क्रोध के संस्कार को सदा के लिए विदाई दो और सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना को इमर्ज करो। क्यों बाबा ने आज क्रोध का विषय लिया है? बाबा कहे जहां क्रोध उत्पन्न होता है वहां लोभ भी अपने आप आ जाता है। लोभ और क्रोध का बहुत गहरा संबंध है। लोभ यानी इच्छा, और जहां इच्छा पूर्ति नहीं होती है वहां भी क्रोध आना स्वाभाविक है, और उसके साथ साथ अहंकार भी जुटा हुआ है। जहां ये व्यक्ति समझने लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मैं समझदार हूं, मैं किसी से कम नहीं हूं, और जहां कहीं पर भी कोई बात के कारण उसके उस अहम को ठेस पहुंचती है वहां क्रोध आना भी स्वाभाविक है। इसलिए बाबा इस विकार को विशेष अंडरलाइन कराते हैं कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि क्रोध के ऊपर विजय हुए तो लोभ और अहंकार के ऊपर भी काफी हद तक विजय हो ही जाएंगे। तो इसलिए आज बाबा बच्चों को थोड़ा ऑफिशियल होकर के भी समझाते हैं
और ये भी बताते हैं कि आगे पुरुषार्थ क्या करना है। लेकिन बाबा ने यह भी देखा कि कई बार बच्चे दूसरों को तीसरे को देखना आरंभ कर लेते हैं, और जब दूसरों को तीसरे को देखना आरंभ करते हैं तो उनकी कमी कमजोरी का भी प्रभाव पड़ जाता है और सोचते हैं ये तो हमारे से पुराने हैं, ये तो महारथी है, यही ऐसा करते हैं, तो हम तो बहुत पीछे आए हैं। तो आज बाबा ने बहुत सूक्ष्म बात सुनाई कि महारथी बहुत समय से निश्चय बुद्धि होकर अटूट अचल होकर के चल रहे हैं और काफी समय का पुरुषार्थ इकट्ठा किया हुआ है, इसीलिए उनको तो फिर भी एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, उनके साथ रेस नहीं करो। उनको देख करके आप अपने पुरुषार्थ को ढीला मत करो, क्योंकि वो निश्चय बुद्धि 100% होने कारण और जो पुरुषार्थ उन्होंने पहले जमा किया हुआ है उसका एक्स्ट्रा मार्क्स उनको मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे उनको देखकर चल रहे हैं वो धोखे में पड़ जाएंगे। इसलिए बाबा कहे, बाहर की आंखें तो देख लेती है लेकिन अंदर की आंखों को अंतर्मुखी बनाओ। आज विशेष बाबा ने उस बात के ऊपर कहा है कि अंदर की आंखों से अंतर्मुख बनो, समझदार बनो, जो विशेषता है उन विशेषताओं को देखो और आगे बढ़ो। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का टाइटल है पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर से विश्व के बाप के लव में लवलीन और लकी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य पर बाप को भी नाज है कि मेरे बच्चे वर्तमान समय इतने महान है, जो सारे कल्प में चाहे देवता स्वरूप में, चाहे धर्म आत्माओं के रूप में, चाहे महात्मा के रूप में, चाहे पदम पति आत्माओं के रूप में, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है। कितना बाबा को नाज है कि मेरे बच्चों का भाग्य इतना श्रेष्ठ है, किसी का भी इतना भाग्य नहीं है जितना आप ब्राह्मणों का भाग्य है। तो अपने ऐसे श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? पूछते हैं, जितना बाबा को नाज है क्या उतना ही अपने श्रेष्ठ भाग्य को सदा स्मृति में रखते हो? सदा यह अनहद गीत मन में गाते रहते हो कि वह भाग्य विधाता बाप और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य? ये भाग्य का गीत सदा ऑटोमेटिक बजता रहता है? पूछते हैं बाबा, क्या वह भाग्य विधाता और वह मुझ श्रेष्ठ आत्मा का भाग्य, ये भाग्य का गीत ऑटोमेटिक बजता रहता है? बाप बच्चों को देख देख सदा हर्षित होते हैं, बच्चे भी हर्षित होते हैं। लेकिन आ गया बाबा कहे, बच्चे भी हर्षित होते हैं लेकिन कभी कभी बीच में अपने भाग्य को इमर्श करने के बजाय क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। जब बाप देखते हैं कि बच्चों के अंदर अपने सौभाग्य का नशा निश्चय मर्ज हो जाता है तो क्या कहेंगे? बाबा देखते हैं कि कभी कभी बच्चे अपने भाग्य के नशे को इमर्ज रखने के बजाय मर्ज कर देते हैं तो क्या कहेंगे? ड्रामा। लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को सदा ही भाग्य के स्मृति स्वरूप देखना चाहते हैं। बाबा की चाहना क्या है?
कि हर एक बच्चों को सदा भाग्य के स्मृति स्वरूप के रूप में देखना चाहते हैं। आप भी चाहते यही है, बच्चे भी तो यही चाहेंगे। तो बाबा कहे, आप भी सभी चाहते यही है, लेकिन लेकिन बीच में आ जाता है। किसी से भी पूछो तो सब बच्चे यही लक्ष्य रख करके चल रहे हैं कि मुझे बाप समान बनना ही है। लक्ष्य बहुत अच्छा है, जब लक्ष्य श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, फिर कभी इमर्ज रूप में, कभी मर्ज रूप क्यों? जब लक्ष्य इतना श्रेष्ठ है कि मुझे बाप समान बनना ही है, तो फिर बाबा कहे, कभी इमर्ज रूप, कभी मर्ज रूप क्यों? कारण क्या है? बाप दादा से इतने अच्छे अच्छे वायदे भी करते हैं, रूरिहान भी करते हैं, फिर भी लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों? तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि कारण क्या है। अब बाबा कारण सुनाते हैं कि लक्ष्य और लक्षण में अंतर क्यों है। जब इतना ऊंचा लक्ष्य है, भाग्य इतना श्रेष्ठ है, तो लक्षण में अंतर क्यों पड़ जाता है? वैसे तो आप सब जानते हैं, कारण तो बाबा कहे आप भी जानते हैं, नई बात नहीं है, फिर भी बाप दादा रिवाइज कराते हैं। बाप दादा ने देखा तीन बातें हैं, पिछले संडे की मुरली में भी तीन बातें कही थी। तो बाप दादा ने देखा तीन बातें हैं, एक है सोचना, संकल्प करना, दूसरा है बोलना, वर्णन करना, और तीसरा है कर्म में, प्रैक्टिकल अनुभव में और चलन में लाना, यानी कर्म में लाना। तो तीनों का समान बैलेंस कम है, सोचना, संकल्प करना, बोलना, वर्णन करना, और कर्म में या चलन में ले आना, ये तीनों के का समान बैलेंस, जो तीनों में समान बैलेंस होता होना चाहिए, वो कम है। जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। इतना सिंपल कारण बाबा ने बताया, तीनों में जब बैलेंस होता है तो निश्चय और नशा इमर्ज होता है, और जब बैलेंस कम हो जाता है तो निश्चय और नशा मर्ज हो जाता है। रिजल्ट में देखा गया, क्या देखा गया? कि सोचने की गति बहुत अच्छी भी है और फास्ट भी है, बोलने में रफ्तार और नशा वह भी 75% ठीक है, बोलने में मेजॉरिटी होशियार भी है, ये भी बाबा ने देखा, लेकिन प्रैक्टिकल चलन में लाने में टोटल मार्क्स कम है। प्रैक्टिकल चलन में या कर्म में लाने में टोटल मार्क्स कम है। तो दो बातों में ठीक है, लेकिन तीसरी बात में बहुत कम है। कारण, जब संकल्प भी अच्छा है, बोल भी बहुत सुंदर रूप में है, फिर प्रैक्टिकल में कम क्यों होता है? कारण क्या है, जानते हो? हाँ या ना बोलो, जानते? बहुत अच्छा है, दो में ठीक है, संकल्प में और बोलने में, लेकिन बाबा कहे प्रैक्टिकल चलन में और कर्म में कम है। तो कारण क्या है? बाबा कहे ये भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर किसी को भी कहेंगे कि इस टॉपिक पर भाषण करो या क्लास कराओ, तो कितना अच्छा क्लास कराएंगे, और बड़े निश्चय नशे फलक से भाषण भी करेंगे, क्लास भी कराएंगे, कराते हैं। बाप दादा सबके क्लासेस सुनते हैं, क्या क्या बोलते हैं, बाबा भी वतन से सबके क्लासेस सुनते हैं कि क्या क्या बोलते हैं, मुस्कुराते रहते हैं,
वाह वाह बच्चे वाह, इतनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते हैं जो बाबा भी कहते वाह वाह बच्चे वाह। मूल बात है बाप दादा ने पहले भी सुनाया है, ये रिवाइज कोर्स चल रहा है। तो बाप कहते हैं कि कारण एक ही है, ज्यादा भी नहीं है, कारण एक ही है ज्यादा भी नहीं है, एक ही कारण है। और बाप दादा समझते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, ये भी बाबा जानते हैं कि कारण को निवारण करना मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है। तो बाबा इसीलिए कहा कि बच्चे भी जानते हैं, क्लास भी कराते हैं, लेकिन निवारण करना ये मुश्किल भी नहीं है, बहुत सहज है, लेकिन सहज को मुश्किल बना देते हैं। मुश्किल है नहीं, बना देते हैं। क्यों? नशा मर्ज हो जाता है, बैलेंस कम हो गया तो नशा मर्ज हो गया, इसलिए मुश्किल बना देते हो। एक ही कारण है, जो भी धारणा की बातें सुनते हो। अब कारण बाबा बहुत स्पष्ट करके बताते हैं कि जो भी धारणा की बातें सुनते हो, करते भी हो, चाहे शक्तियों के रूप में है, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, चाहे शक्तियों के रूप में, चाहे गुणों के रूप में, धारणा की बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हो, इतनी अच्छी करते हो जो सुनने वाले, चाहे अज्ञानी चाहे ज्ञानी, सुनकर क्या कहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा कहकर खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। बाबा सबके क्लासेस सुनते हैं ना, तो उसमें बाबा ने देखा कि धारणा की बातें भी बहुत अच्छा करते हैं, चाहे शक्तियों को धारण करना हो, गुणों को धारण करना, वो बातें तो बहुत अच्छी सुनाते हैं, ज्ञानी अज्ञानी सब सुन करके खूब तालियां बजाते हैं, बहुत अच्छा कहा। लेकिन कितनी बार लेकिन आया, ये लेकिन ही विघ्न डाल देता है। लेकिन शब्द समाप्त होना, अर्थात जैसे ही लेकिन शब्द समाप्त करेंगे, अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन शब्द को समाप्त होना अर्थात बाप समान समीप आना, और बाप के समीप आना अर्थात समय को समीप लाना। लेकिन फिर लेकिन आया, अभी तक लेकिन शब्द कहना पड़ता है, बाप को अच्छा नहीं लगता है लेकिन कहना ही पड़ता है। तो कारण क्या, जो भी कहते हो, धारण भी करते हो, धारणा के रूप से धारण करते हो, और वह धारणा किसकी थोड़ा समय किसकी ज्यादा समय भी चलती है। धारणा की बातें करते हो, करते भी हो, लेकिन बाबा कहे किसकी वो धारणा थोड़ा समय किसकी ज्यादा समय चलती है, लेकिन धारणा प्रैक्टिकल में सदा बढ़ती चले, उसके लिए यही मुख्य बात है कि जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई। द्वापर से लेकर के जो अवगुण या कमजोरी की धारणा है, वह संस्कार रूप में बन गई है। संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। तो बाबा कहे जैसे द्वापर से लेकर अंतिम जन्म तक जो भी अवगुण व कमजोरियां है, उसकी धारणा संस्कार रूप में बन गई है, और संस्कार बनने के कारण मेहनत नहीं करना पड़ता। नेचुरल, चाहे अवगुण हो तो भी नेचुरल वो इमर्ज हो जाता है, वो उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। छोड़ना भी चाहते हैं, अच्छा नहीं लगता है, फिर भी कहते क्या करें,
मेरा संस्कार ऐसा है, इतना नेचुरल रूप से वो संस्कार कार्य करने लगता है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार ऐसा है। तो बाबा कहे, संस्कार बना कैसे? बनाया तभी तो बना ना। तो जब द्वापर से ये उल्टे संस्कार बन गए, जिससे आप समय पर मजबूर भी होते हो, फिर भी कहते हो क्या करे, संस्कार है। द्वापर के ये संस्कार इतने अंदर मजबूत बन गए, जो बाबा कहे समय पर मजबूर हो जाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, क्या करे, संस्कार है। तो संस्कार सहज न चाहते हुए भी प्रैक्टिकल में आ जाते हैं ना। मिसाल देते हैं बाबा, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है, क्रोध को संस्कार बनाया। बाबा मिसाल देते हैं, किसी को क्रोध आ जाता है, थोड़े समय के बाद कहते हैं, रियलाइज जैसे होता है तो कहते हैं, आप बुरा नहीं मानना, मेरा संस्कार है, क्रोध को संस्कार बनाया, अवगुण को संस्कार बनाया, और गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया। बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी गुणों की बात बताई, तो बाबा के गुणों को संस्कार क्यों नहीं बनाया है। जैसे क्रोध अज्ञान की शक्ति है और ज्ञान की शक्ति शांति है, सहन शक्ति है, तो अज्ञान की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते रहते हो, फिर माफी भी लेते रहते हो। अज्ञान के शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया, यूज भी करते हो, माफी भी ले लेते हो। माफ कर देना आगे से नहीं होगा, और आगे और ज्यादा होता है, और ज्यादा क्रोध होता है, कारण क्योंकि संस्कार बना लिया है। तो बाप दादा एक ही बात बच्चों को बार बार सुनाते हैं कि अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ, हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। ब्राह्मण आत्माओं के निजी संस्कार कौन से हैं? पूछते बाबा, क्रोध या सहन शक्ति? कौन सा है? सहन शक्ति, शांति की शक्ति, यह है ना, ये हमारे अनादि संस्कार है, ये नेचुरल है। तो अवगुणों को सहज ही संस्कार बना दिया, कूट कूट कर अंदर डाल दिया है, जो न चाहते भी निकलता रहता है। ऐसे हर गुण को अंदर कूट कूट कर संस्कार बनाओ। मेरा निजी संस्कार कौन सा है, ये सदा याद रखो। बाबा कहे, ये याद रखो, मेरा निजी संस्कार कौन सा है, शांति का या क्रोध का? वह तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, अवगुणों को, कमजोरियों को क्या कहेंगे, ये तो रावण की जायदाद है। तो रावण की जायदाद संस्कार बना दिया, पराए माल को अपना बना लिया। बाबा कहे, पराए माल को अपना बना लिया, अब बाप के खजाने को अपना बनाओ। रावण की चीज को संभाल कर रखा है और बाप की चीज को गुम कर देते हो, क्यों? रावण से प्यार है? पूछते बाबा, क्या रावण से प्यार है? रावण अच्छा लगता है या बाप अच्छा लगता है? कहेंगे तो सभी बाप अच्छा लगता है, यही मन से कह रहे हो ना। लेकिन जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जिससे प्यार होता है उसकी हर बात अच्छी लगती, और उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। जब कोई रावण के संस्कार के वश होते हैं और फिर भी कहते रहते हैं, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है,
रावण के संस्कार के वश होते और फिर बाबा से कहते, बाबा आपसे मेरा बहुत प्यार है, बहुत प्यार है। बाप पूछते हैं इतना प्यार है? तो कहते हैं आकाश से भी ज्यादा। बाप सुनकर खुश भी होते हैं कि कितने भोले बच्चे हैं, रावण के संस्कार के वश हुए हैं और बाबा से कहते बहुत प्यार है, आकाश से भी ज्यादा। तो उसको बाबा क्या कहते, कितने भोले बच्चे हैं। फिर भी बाप कहते हैं, बाप का सभी बच्चों से वायदा है। क्या वायदा है? कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल लिया, दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोला मेरा बाबा, तो बाप भी कहते हैं, जो भी हो, जैसे भी हो, मेरे ही हो, ले तो जाना ही है। सिर्फ बाप चाहते हैं कि बराती बनकर नहीं चलना, सजनी बनकर चलना। सुनकर के तो सभी बहुत खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। कितना बाबा का प्यार है और वायदा है कि एक बार दिल से मेरा बाबा कहा तो फिर भी बाबा साथ ले ही जाएंगे, स्वीकार करते हैं, जो है जैसे हैं वैसे मेरे हैं और साथ ले चलूंगा। सिर्फ बाबा कहे बराती बनकर नहीं, सजनी बनकर चलना। सुनकर के तो सभी खुश हो रहे हैं, अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अभी सुनने के समय अपने ऊपर हंसते हो ना, अपने ऊपर हंसी आती है, और जब जोश करते हो तब लाल पीले हो जाते हो। जोश यानी क्रोध में आते हो तब लाल पीले हो जाते हो। लेकिन बाप ने रिजल्ट में देखा, क्या देखा? कि बच्चों में एक विशेषता बहुत अच्छी है। कौन सी? पवित्रता में रहना। इसके लिए कितना भी सहन करना पड़ा है, कितना भी ऑपोजिशन करने वाले सामने आए हैं, लेकिन इस बात में 75% अच्छे हैं। कोई कोई गपोड़ा भी लगाते हैं, घसिया यानी गपोड़ा भी लगाते हैं, लेकिन फिर भी 75% ने इस बात में पास होकर दिखलाया है, पवित्रता की धारणा में पास होकर दिखलाया। अब उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट कौन सा आता है? क्रोध। देह भान तो टोटल है ही है। किसी ने कहा देह भान, तो बाबा ने कहा देह भान तो टोटल है ही है, लेकिन देखा गया कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। बाबा ने रिजल्ट में क्या देखा कि क्रोध की सब्जेक्ट में बहुत कम पास है। ऐसे समझते हैं कि शायद क्रोध कोई विकार नहीं है। बच्चे समझते कि क्रोध कोई विकार नहीं है, ये शस्त्र है, विकार नहीं है। लेकिन क्रोध ज्ञानी तो आत्मा के लिए महाशत्रु है, क्योंकि क्रोध अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आने से प्रसिद्ध हो जाता है। जब कोई क्रोध करता है तो संबंध संपर्क में ही आकर के क्रोध होता है, तो बाबा कहे वो प्रसिद्ध हो जाता है। और क्रोध को देख करके बाप के नाम की बहुत ग्लानी होती है, बाप का नाम बदनाम होता है। कहने वाले यही कहते हैं, क्या कहते? देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध इतना प्रसिद्ध कर देता है, जो बाबा कहे कहने वाले कह देते हैं, देख लिया ज्ञानी तू आत्मा बच्चों को। क्रोध के बहुत रूप है। कितने रूप है? एक तो महान रूप आप अच्छी तरह से जानते हो, दिखाई देता है ये क्रोध कर रहा है। लेकिन दूसरा रूप कौन सा है? दूसरा क्रोध का सूक्ष्म स्वरूप, अंदर में ईर्ष्या द्वेष घृणा होती है,
ये भी दूसरा स्वरूप है। अंदर में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा होती है। इस स्वरूप में जोर से बोलना या बाहर से कोई रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन जैसे बाहर क्रोध होता है तो क्रोध अग्नि रूप है ना, वह अंदर खुद भी जलता रहता है और दूसरों को भी जलाता है। ऐसे ही ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये जिसमें है वह इस अग्नि में अंदर ही अंदर जलता रहता है। बाहर से लाल पीला नहीं होता, लाल पीला फिर भी ठीक है। बाबा क्या कहते हैं, ये दूसरा स्वरूप जो है वो बड़ा खतरनाक है। लाल पीला फिर भी ठीक है, लेकिन वह काला होता है। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जो करता है वो अंदर में एकदम काला होता है। फिर तीसरा क्रोध की चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? तो पहला स्वरूप वो तो सबको दिखाई देता है, प्रत्यक्ष प्रसिद्ध कर देता है, बाबा का नाम भी बदनाम करता है। लेकिन दूसरा स्वरूप सूक्ष्म होता है, जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा के रूप में होता है, जो बाहर से भले लाल पीला नहीं होता लेकिन अंदर में काला होता है। अब तीसरा स्वरूप क्रोध का चतुराई का रूप भी है। वह क्या है? कहने में, समझने में ऐसे समझते हैं, वह कहते हैं कि कहां कहां सीरियस होना पड़ता है। ये चतुराई का रूप है कि कहां कहां सीरियस होना ही पड़ता है, कहां कहां लॉ उठाना ही पड़ता है कल्याण के लिए। अभी कल्याण है या नहीं वो अपने से पूछो। बाप दादा ने किसी को भी अपने हाथ में लॉ, कानून उठाने की छुट्टी नहीं दी है। क्या कोई मुरली में कहा है कि भले लॉ उठाओ, क्रोध नहीं करो? लॉ उठाने वाले के अंदर का रूप वही क्रोध का अंश होता है। जो निमित्त आत्माएं हैं वह भी लॉ उठाते नहीं है। बाबा ने ये परमिशन निमित्त आत्माओं को भी नहीं दिया है, लेकिन उन्हों को लॉ रिवाइज कराना पड़ता है। बाबा ने इतनी छुट्टी दी है कि सामने वाले को लॉ रिवाइज करके समझाओ। लॉ कोई भी नहीं उठा सकता, लेकिन निमित्त है तो बाप द्वारा बनाए हुए लॉ को रिवाइज करना पड़ता है। निमित्त बनने वालों को इतनी छुट्टी है, सबको नहीं, ये लॉ रिवाइज करा के समझा सके, बाकी वह भी लॉ उठा नहीं सकते। ये भी चतुराई का रूप है क्रोध का। आज बाप दादा थोड़ा ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं। कितनी निर्माणता है बाबा की, कि बाबा एक तरफ बच्चों को कह भी रहे हैं, ऑफिशियल शिक्षा दे रहे हैं, प्यार से उठाना। प्यार से उठाना, कल्याण की भावना से उठाना, क्योंकि बाप दादा बच्चों के लिखे हुए, किए हुए वायदे देखकर, सुनकर मुस्कुराते रहते हैं। अभी बाप दादा ने जो सुनाया कि हर गुण को निजी संस्कार बनाओ, अंडरलाइन किया, हर गुण को, शक्तियों को निजी संस्कार बनाना है। तो अभी से ये कहना कि शांत स्वरूप में रहना, सहनशील बनना, यह तो मेरा संस्कार बन गया है। फिर बाप दादा जब मिलन मनाने आए तो इसे अपना निजी संस्कार बनाकर बाप दादा के आगे इन 5-6 मास में दिखाना। सीजन की अंतिम मुरली है तो इसीलिए बाबा कहे 5-6 मास में इसको ऐसा निजी संस्कार बनाओ, गुणों को, शक्तियों को, जो बाप दादा को अगली सीजन शुरू होने से पहले दिखाओ। इसलिए आज रिजल्ट सुना रहे हैं। क्रोध की रिपोर्ट बहुत आती है। छोटा बड़ा भिन्न भिन्न रूप से क्रोध करते हैं। अभी बाप दादा ज्यादा नहीं खोलते हैं,
बाबा ने इतना सहजता से बच्चों के ध्यान पर भी बात दे दी और बाबा कहे इसकी गहराई में मैं नहीं जाता हूं, लेकिन कहानियां बहुत मजे की है, इसलिए आज से क्रोध को क्या करेंगे, विदाई देंगे? पूछते बाबा, विदाई देंगे? तो सभी ने ताली बजाई। देखो, ताली बजाना बहुत सहज है, लेकिन क्रोध की ताली नहीं बजे। बाप दादा अभी यह बार बार सुनने नहीं चाहते हैं, फिर भी रहम पड़ता है तो सुन लेते हैं। तो अब से ये नहीं कहना कि बाबा वायदा तो किया लेकिन फिर आ गया, क्या करें, चाहते नहीं है आ जाता है। आप ही माया को समझा दो, क्रोध को समझा दो, तो यह पुरुषार्थ भी बाप करे? पूछते बाबा, यह पुरुषार्थ भी बाप करे और प्रलब्ध बच्चे लेंगे, यह भी मेहनत बाप करे? पूछते हैं, तो ऐसा वायदा नहीं करना। जो फिर 5 मास के बाद रिजल्ट देखे, भले आप बताओ नहीं बताओ। बाबा कहे, भले आप बताओ नहीं बताओ, बाप के पास तो पहुंचती है, ऐसी रिजल्ट ना हो, क्रोध वाली रिजल्ट ना हो। क्या करे, हो जाता है, सर्कमस्टेंस ऐसे आते हैं, बात बहुत बड़ी हो गई ना। बाप को भी समझाने की कोशिश करते हैं, बड़े होशियार है। कहते हैं, बाबा छोटी मोटी बातें हम पार कर लेते हैं, ये बात ही बड़ी थी ना, अभी दोष किस पर रखा, बात पर। और बात क्या करती है, बच्चों ने दोष किस पर रखा, बात पर, और बात क्या करती है, आई और गई। 5000 वर्ष के बाद फिर बात आएगी, बात इतनी समझदार है कि बात आई और गई, 5000 वर्ष के बाद बात आएगी। जो 5000 वर्ष के बाद बात आनी है उस पर दोष रख लेते हैं। बाबा को भी वंडर लगते, जो 5000 साल के बाद आने वाली है उस पर दोष रख देते हैं। ऐसे नहीं करना, क्या करूं ये संकल्प में भी नहीं लाना। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है, क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता है। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। और इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो क्रोध तो आना ही है, इसलिए लोभ और क्रोध का गहरा कनेक्शन है। तो बाबा कहे, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, ये भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म हो जाएगा, उसके साथ साथ अहंकार भी खत्म हो जाएगा। जैसे अहंकार का भी कनेक्शन क्रोध के साथ है, वो बाबा समझाते। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूं, ये क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। हाँ, दूसरे को जब कम देखते हैं, खुद को ज्यादा समझदार बड़ा समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ, यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए न कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहे हैं। तो संस्कार बनाएंगे, अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया, अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, संकल्प किया उसकी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी
स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वाह वाह के पुष्प गिराएंगे, वाह वाह के पुष्प गिराएंगे। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरों को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना, दूसरों की ये बातें देखने के लिए मन की आंख बंद करना। ये आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो ना, ये स्थूल आंखें तो बंद कर नहीं सकते हो, लेकिन मन की आंख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए, अब कहते हैं हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है ना। अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। क्या करते हैं? बाप दादा ने देखा कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया, महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे। तो बाबा क्या कहते, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्होंने एडिशन मार्क्स दिलाकर पास विथ ऑनर कर देती है। महारथियों की तपस्या, बहुत काल का पुरुषार्थ, उन्होंने एडिशन मार्क्स दिलाकर बाबा कहे पास विथ ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे, तो धोखा खा लेंगे, क्योंकि बहुत समय की न तपस्या है न बहुत काल का पुरुषार्थ है, तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ, मन की आंखों को अंतर्मुख कर दो। समझा? यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं, देख लिया देख लिया। हमारी भी तो आंखें है ना, हमारे भी तो कान है ना, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। बाबा को तरस पड़ता है क्योंकि बाबा जब देखते हैं महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है, उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आंख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के लवलीन आत्माएं, सर्व बाप के सेवाधारी आत्माएं, सर्व सहज पुरुषार्थ को अपनाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाली बाप के समीप आत्माओं को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले
शक्तिशाली सेवाधारी भव। दुनिया में आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। उन्हें खुशखबरी सुनाओ कि हम आपको 21 जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बचा सकते हैं। हर आत्मा को अमर ज्ञान दे, अमर बनाओ, जिससे वे जन्म जन्म के लिए अकाले मृत्यु से बच जाए। ऐसे अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन है, याद और सेवा के बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। अच्छा, ओम शांति।